पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे, ये कह रहे हमको दे नहीं रहे हैं, तो पैसा गया कहाँ? देने वाला भी वही गठबंधन का, लेने वाला भी वही गठबंधन का है, डबल इंजन। वो कह रहे हम दे रहे, कह रहे कि हमको पहुंच नहीं रहा है, तो पैसा क्या कर रहे हैं भाई? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी की कार्य समिति की आज बैठक हुई है, जिसमें शिरकत करने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी पहुंचे थे, और अब 11 अक्टूबर को अधिवेशन होना है, खुला अधिवेशन होना है आरजेडी का, यह भी फैसला लिया गया है इस कार्य समिति की बैठक में। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तमाम बातें तो बताई हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो केंद्र सरकार से पैसा भेजा जा रहा है, केंद्र सरकार कहती है कि हम पैसे भेज रहे हैं, बिहार सरकार कहती है पैसा मिला नहीं, तो सारा पैसा गया कहाँ, ये भी पूछा है। और कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल नीतीश कुमार को समाजवादी नेता बताया है, उस पर भी उन्होंने कड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि सर्टिफिकेट तो अब नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने दे दिया है कि वो अब भगवाधारी है, भगवा चोला उन्होंने अपनाया है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, पूरी बातों को सुनिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सही समय सीमा पर होती रहती है, और ये हमेशा पार्टी के बेहतरी के लिए, और आगे आगामी जो हमारा अधिवेशन जो होगा, खुला अधिवेशन, वो अक्टूबर को पहले जो चुनाव की जो अध्यक्ष पद के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, अरे यार सबका फ्रेम खराब कर रहे हैं, नीचे से वो शुरू हो रही है, नीचे से डालो भाई, ऊपर से क्यों डालना है? और पहले मेंबरशिप अभियान जो है वो चलेगा, मेंबरशिप अभियान के बाद जो है, अरे नीचे से डालो, सारे मेंबर वगैरह जो बन जाएंगे सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो है लगभग नॉमिनेशन वगैरह सितंबर अक्टूबर में वो होगा। तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री ने जो फिक्स रहता है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जब खत्म होने वाला होता है, तो उससे पहले कार्यकारिणी की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव वगैरह, आर्थिक प्रस्ताव, ये सब लोग आता है, प्रस्ताव पारित होता है, फिर अधिवेशन का प्रस्ताव आता है, पास होने के बाद फिर मेंबरशिप अभियान चलेगा, चलेगी। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को बहुत समाजवादी नेता बताया है, कर्पूरी जी की बात की, लगता है कि सबसे बड़े समाजवादी नेता है। अब देखिए, अब इस पे तो हमें कुछ कहना नहीं है, प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को तो बताना चाहिए 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख का क्या हुआ, स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ, गंगा सफाई योजना का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, अब 19 लाख रोजगार जो बिहार में वादा किया था उसका क्या हुआ, उनको बताना चाहिए बिहार के स्पेशल पैकेज को क्या हुआ, डबल इंजन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी की बल मिलता है, बिहार में तो एक दूसरे को काटने में लगे हुए लोग, पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे, ये कह रहे हमको दे नहीं रहे हैं, तो पैसा गया कहाँ? देने वाला भी वही गठबंधन का, लेने वाला भी वही गठबंधन का है, डबल इंजन। वो कह रहे हैं हम दे रहे, कह रहे कि हमको पहुंच नहीं रहा है, तो पैसा क्या कर रहे हैं भाई? यानी बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, यही काम रह गया नीतीश कुमार। बिहार की जनता, अरे समाजवादी क्या, जितने नीतीश कुमार जी आरएसएस का चूड़ा पहन चुके हैं, ये बोलने का मतलब ये बीजेपी के रंग में रंग गए हैं, ये सर्टिफिकेट मोदी जी ने दिया है, ये बात समझ लीजिए। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बातों को रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही गई बातों पर भी टिप्पणी की है, वहीं बिहार सरकार पैसों का क्या कर रही है, जो केंद्र सरकार पैसे भेज रही है, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बातें कही हैं, हमने तमाम बातों को आप तक सुनवाया है, आप तक रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।